ना वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी लीगल इन्वायरमेंटल एंड रिटेलिंग वन ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ रिटेल स्ट्रेटी तो रिटेलर को तमाम लीगल परस्पेक्टिव को कंसिड्रेशन में लेना है तमाम इन्वायरमेंटल परस्पेक्टिव को कंसिड्रेस में लेना है बी इट बिलोंग्स टू कस्टमर बीट बिलोंग्स टू स्टेट बी बिलोंग्स टू एनी अदर कंट्रोलेबल वेरिएबल्स और नॉन कंट्रोलेबल वेरिएबल्स रिटेलर को तमाम लीगल एंड एनवायरमेंटल परसपेक्टिव को कंसिड्रेशन में लेना है और उसकी कंप्लाइंस को इंश्योर करना है तो हमारे पास जो दो मेजर तरीके से अगर हम सेग्रीगेशन करते हैं सो तो कुछ मेजर सबसे पहले हमारे पास लॉज आते हैं विच आर रिलेटेड टू स्टोर लोकेशन सो सबसे पहले लॉज जो के ज़ोन्स के जोनिंग लॉज हैं ब्लू लॉज हैं इन्वायरमेंटल लॉज हैं डायरेक्ट सेलिंग लॉज हैं लोकल ऑर्डिनेंस हैं लीज एंड मॉडगेज के हवाले से लॉ है तो प्रटेन्स टू स्टोर लोकेशन इन सारे लॉज की कंप्लाइंस बहुत ज़रूरी है एग्जाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप किसी स्टोर लोकेशन को ऑप्ट करने के लिए गए हैं आप किसी स्टेट में आप किसी सिटी में कोई स्टोर ओपन करने जा रहे हैं तो उस स्टेट का उस सिटी की अपनी कुछ आ, कुछ लॉज होंगे जो कि उस स्टेट ने या उस सिटी ने या उस प्रोविंस ने डिप्लोय के होंगे तो रिटेलर हैज टू कंप्लाई टू ऑल दीज लॉज देन देर आर लॉज रिलेटेड टू मैनेजिंग द बिजनेसिस बेशक वो लाइसेंसिंग है वो पर्सनैल लेबर लॉज हैं वो एंट्री ट्रस्ट लॉ हैं फ्रेंचाइज एग्रीमेंट्स हैं बिजनेस के टैक्सेज हैं रीसाइकलिंग के लॉज हैं इनमें ऑफकोर्स देर आर कंट्री स्पेसिफिक दे आर प्रोविंस एंड स्टेट स्पेसिफिक दे आर सिटी स्पेसिफिक एंड इन सम केस दे आर इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑल्सो तो रिटेलर को वो तमाम लॉज विच आर रिलेटेड टू लोकेशन एंड वो तमाम लॉज विच आर रिलेटेड टू मैनेजिंग द बिजनेसिस द रिटेलर हैज़ टू कंप्लाई विद बोथ ऑफ दैट बिकॉज दैट इज वन की पार्ट वन की एलिमेंट ऑफ रिटेलर स्ट्रेटी और अगर रिटेलर इसको प्रॉपर तरीके से कम्प्लाई करेगा इट विल क्रिएट अ सक्सेस स्टोरी फॉर द रिटेलर देन अगर हम बात करते हैं कंप्लायंस रिलेटेड टू मर्चेंटाइज मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस रिलेटेड टू प्राइसिंग तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे भी हैं जो कि गुड्स की मैनेजमेंट के और प्राइसिंग के मैनेजमेंट के हवाले से भी देर आर लीगल रिस्ट्रिक्शंस देर आर लीगल कम्प्लायंसेज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कंप्लायंस रिलेटेड टू ट्रेडमार्क्स कंप्लायंस रिलेटेड टू आपकी प्राइसिंग uh, बेशक वो मल्टी आइटम प्राइसिंग है वो यूनिट प्राइसिंग है कम्पलायंस रिलेटेड टू आपकी मार्केट सेलिंग प्राइस के हवाले से कम्पलायंस है देन आपके सेल्स टैक्स के हवाले से आपकी यूनिट प्राइसिंग लॉस के हवाले से आपके पास मर्चेंडाइज की रिस्ट्रिक्शंस फॉर एग्जांपल देर आर सर्टेन स्टेट्स इन सम कंट्रीज जो कि किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी को नहीं अलाउ करती हैं कि रिटेलर वहाँ पर uh, च, uh, काम करे या रिटेलर उस कैटेगरी के अंदर काम करे फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर अगर कोई रिटेल स्टोर लेट्स इफ़ यू ओपन रिटेल स्टोर इन दिटी ऑफ हैदराबाद तो वहां पर द स्टेट लॉ इज के आप वहां पर आप ना डेरी सेल कर सकते हैं आप ना आप स्टोर के अंदर मीट सेल कर सकते हैं आप ना स्टोर के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेल कर सकते हैं ना स्टोर के अंदर आप फिश सेल कर सकते हैं तो अगेन उस स्टेट के अंदर उस सिटी के अंदर उस प्रोविंस के अंदर अगर यू हैव टू है स्टोर दैन डरस्टैंड के यहां पर ये कंप्लाइंस है और यू कैन नॉट है इन टू योर रिटेल स्टोर इसी तरीके से देर आर सर्टन लिगालिटीज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन विद द कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज वंस यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर तो देर आर देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो देर दे कम अप कौन कौन सी बातें हैं सबसे पहले ट्रूथ इन एडवर्टाइजिंग लॉस ट्रूथ इन सेलिंग लॉस आपको इन जनरल आइडिया है कि मार्केटिंग में इट इज अबाउट मैनेजिंग द थिंग्स नॉट शेयरिंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नॉट मिसलीडिंग द कस्टमर ताकि वो कोई गलत डिसीजन कर सके तो यू नीड टू कंप्लाई इन सेलिंग ट्रूथ इन मर्चेंडाइजिंग एंड ट्रूथ इन प्राइसिंग लॉज कंप्लाइंस दैन ट्रूथ इन क्रेडिट लॉज की कंप्लाइंस आपने इंश्योर करनी है आपने इन्वेंट्री लॉस की की कंप्लायंस करनी है आपने लेबलिंग लॉस की कंप्लायंस करनी है आपने प्रोमोशन लॉस की कंप्लायंस करनी है आपने कूलिंग ऑफ लॉस की कंप्लायंस करनी है तो इसके अलावा और भी कोई लोकल लॉज हैं जो कि आपके कंट्री के स्पेसिफिक हैं जो कि आपके स्टेट के परस्पेक्टिव में हैं जो कि प्रोविंस स्पेसिफिक हैं जो कि सिटी स्पेसिफ़िक हैं यू नीड टू कम्प्लाई ऑल दीज लॉस बेशक वो ओवरऑल स्टोर लोकेशन के बारे में थे बेशक वो ओवरऑल मैनेजिंग द बिजनेस के हवाले से हैं बेशक वो मर्चेंडाइज़ के हवाले से हैं बेशक वो मर्चेंडाइज़ की प्राइसिंग उसकी पैकेजिंग के हवाले से है बेशक वो मर्चेंडाइज की सिलेक्शन के हवाले से हैं बेशक वो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग के हवाले से हैं तो यू नीड टू कम्प्लाई ऑल दीज लॉस तो रिटेलर को अपनी सक्सेसफुल स्ट्रैटी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लीगल एंड एनवायरमेंटल कंप्लायंस है इसको फुलफिल करना होता है अगर रिटेलर नहीं करेगा ऑफकोर्स उसकी स्ट्रैटी के अंदर गैप आएगा और अल्टीमेटली जो मिशन उसने सेट किया है जो विजन उसने अलाइन किया है उसकी बेसिस पे जो ऑब्जेक्टिव्स उसने अपने बनाए हैं अपने जो प्रॉफिटेबिलिटी सेल्स मार्जिन कस्टमर्स इमेज के जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो रिटेलर अचीव नहीं कर पाएगा तो रिटेलर के लिए सक्सेस ये है कि तमाम एलिमेंट्स ऑल सिक्स एलिमेंट्स को कंप्लाई uh, करे ऑल सिक्स एलिमेंट्स को फुलफिल करे रिलीजियसली बनाए ताकि एक सक्सेसफुल रिटेल बिजनेस को ऑपरेट कर सके